नमस्कार, आप देख रहे हैं सुगर टाइम्स और मैं आपके साथ भारतीय में। देखिए, इस वक्त हम अरावली गोल्फ क्लब में मौजूद हैं, जहां पर रिटायर्ड डीसी प्रवीण कुमार एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का, जानते हैं? सर, शिव यार पहले टाइम से आना चाहिए ना। शोक को जो विनाश होता है, शोक विनाश का नमामि विघ्नेश्वर भगवान को, और विघ्न को जो होता है उसके पंकज भी जो पद है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब प्रणाम करते हैं। वो ईश्वर मेरे गुरु एक बात कहा करते थे, वो कहते थे अगर भगवान इस दुनिया का बाप है, अगर भगवान इस दुनिया का बाप है तो उस नाते से हम सब भाई बहन हैं, वी आर ब्रदर्स। तो वी स्टार्ट ऑन दैट नोट। सबसे पहले तो मैं आपको मकसद बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों बुलाया। मैंने किसी कारणों से जो कारण आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या कारण है, आप क्यों पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, और इस प्रश्न का मैं जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। मैं सोचा पिछले कुछ दिनों में कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बटकल की, इससे मैं अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी में दो प्रमुख पार्टियां हैं हमारे देश में, आप सभी जानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों पार्टियों में जो अभी प्रेजेंट हमारे कैंडिडेट्स हैं, तो मैडम है सीमा त्रिपाठी जी, जो हमारी मंत्री जी हैं, वो बहुत ही सम्माननीय और श्रेष्ठ, मैं उनको एक पॉलिटिशियन मानता हूँ। और दूसरी तरफ विजय प्रताप है कांग्रेस के, जो पिछली बार भी बड़े कम मार्जिन से आ रहे थे, लेकिन वो भी बहुत एक समझदार कमेटेड, और विजय प्रताप जी जो इतने विशेष और विशिष्ट हमारे पॉलिटिशियन रहे हैं, उनके लड़के हैं, वो भी बड़े मेधावी हैं, गुणवान हैं और अच्छे परिवार से हैं, और उनका संस्कार भी बहुत अच्छा है। महेंद्र प्रताप जी के साथ तो मैंने तब काम किया था जब वो मैं यहाँ पर डीसी लगा हुआ था, और महेंद्र प्रताप जी रेवेन्यू मंत्री होते थे उसको, तो भी बहुत सम्माननीय थे। और विजय मेरे को पर्सनली जानता है, सीमा के गांव से कपड़ा ऑर्डर करता हूँ, दूसरी बात यह है कि ये कुदरत का विशेष भगवान ने पता नहीं क्या बनाया है, कि संसार में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जहाँ द्वंद्व के बिना आप काम कर सकते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मैं जो इन दोनों लोगों को जिनको मैं अच्छा मानता हूँ, और भी कई होंगे, मैं तो पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जो मुझे ख्याल आ गया और भी कई होंगे, लेकिन उनके से किसी प्रकार का संघर्ष ना किए बिना यदि कोई हो सके संभव कि ऐसा हो कि हम फिर भी मैं एमएलए बन जाऊं, ये संभव नहीं होता। इसलिए कई बार माँ बाप में और बेटे में कंटेस्ट हो जाता है, क्योंकि सृष्टि में भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची है कि हर एक के अंदर उसने एक महान पढ़ने का भाव पैदा कर दिया कुदरत ने,
ये सिर्फ उनमें नहीं है जो महान बनते हैं, ये प्रत्येक जीव के अंदर है महान बनने की इच्छा। तभी एक बच्चा के लिए क्या, अगर आप बच्चे को कहोगे कि तुम क्या समझता अपने आप, तो कहेगा क्या क्या कह रहे हो आप, मेरी आप मुझे बेवकूफ समझते हो। अगर हम गहरा जाएं तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि हर एक के अंदर वो अनंत शक्ति छुपी हुई है जिसको हम भगवान कहते हैं, उसके वजह से कोई छोटा नहीं करता था। इस सृष्टि में सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई भी जीव छोटा नहीं बनना चाहता। कि पकौड़ा जो चल रहा है वो भी अपने आप को मानता है मैं हूं। मनुष्य के अंदर ये विशेषता है कि वो मैं को हम में बदल सकता है, उसकी बुद्धि में एक क्षमता है, वो ये एक, और जो मैं से हम की यात्रा है वो एक जीव की हर एक की यात्रा है। कोई किसी स्टेज पर है, कोई किसी स्टेज पर है, यात्रा सबकी कॉमन है। चाहे दुनिया में कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो, क्योंकि मैं और हम का क्या राइट संबंध है, मैं की क्या अहमियत है, हम का क्या मतलब है, ये एक लंबा आध्यात्मिक विषय है जिसके बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मुद्दा क्लियर कर दिया मैंने, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ इम्पोर्टेंट समझता हूँ उनको। यदि मैं जैसे मैंने जाकर हुए मेरे को 3-4 साल हो गए, मैंने काम अच्छा करना नहीं छोड़ा। जैसे मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ, क्वालिफाइड हूँ, जैसे मेरा हिंदू मुस्लिम के ऊपर एक विशेष तरह का चिंतन है जिसमें मैं मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का जो विषय है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि चाहते हुए भी दोनों पार्टीज, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, उनका चिंतन उस स्तर का नहीं है जो होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि ये डिस्कशन ओपन हो। जिनके बारे में राजनीति में आए बिना बात नहीं हो सकती। एक तो ये है होम्योपैथी के बारे में, मैं एक मान लीजिए बड़ा अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बन भी जाऊँ, बना हुआ हूँ शायद। आगे लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑल गुड नॉलेज। The best of the doctors जो दुनिया में हैं वो continuous learning में विश्वास करते हैं, they are learning new techniques। लेकिन मैं अगर अच्छा होम्योपैथ बनकर कुछ लोगों को क्योर भी कर देता हूँ, मेरे भी अभी जो सबसे पहले आए थे, क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेश। आप इधर इधर आपका फोटोग्राफर है आप ना प्राइमरी? तो ये सबसे पहले आए थे अकेले मेरे पास बैठे, उन्होंने मेरे को कहा भाई साहब कहते हैं आप चरण में पढ़ रहे हो राजनीति के, अकेले बैठ के सेवा करो, बच्चा कर पड़ना सेवा करनी है आपने तो अकेले करो, राजनीति से करो, मैं बताता हूँ मैं किसके करूँ। तो मैं अकेला अगर बैठ कर कुछ अच्छा काम नहीं करूँगा, उसका प्रभाव, उसकी रीच, उसकी पहुँच उतनी नहीं होगी जब मैं महत्वपूर्ण पद पर बैठ कर पाऊँ। इसलिए मैं काम मैं उन विचारों को मैं मेरा ये मानना है कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, विचार और सत्य की वैल्यू है। इंसान की किसी क्या वैल्यू, थोड़े दिन का खेल है, कितने दिन तक रहेगा, कोई पावर में भी रह लिया या ना पावर में रहना, कितने दिन तक रहेगा। आप जैसा आप कह रहे हैं कि बर्तन से चुराव लेके तो आप सी बात है, आपको ये अच्छा बात है और मुझे बता दीजिए बिल्कुल दोनों को अच्छा दोनों कैसे टक्कर दे पाएंगे टक्कर टक्कर का
टक्कर का निर्णय तो वो करेंगे जिन्होंने अपने अंदर निर्णय करना है कि इन तीनों में से कौन सा ठीक है जो वोट देने लायक है। शायद मुझे टिकट निर्दलीय रहूंगा क्योंकि मैं हालांकि अरविंद केजरीवाल जी को भी अच्छा मानता हूँ उनके गुणों के कारण, लेकिन उनकी टिकट ले ली तो हरियाणा में तो बहुत अच्छी चलती है। हर पल एक नई जगह जो चला गया उसको भूल जाता है और कुछ क्या हर पल नया करना है, हर पल नया बेहतर करना है। मैंने सोचा नहीं, इसके जवाब नहीं दे सकता। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर बीइंग अ ब्यूरोक्रेट एंड नाउ बीइंग अ पॉलिटिशियन एंड व्हाट यू थिंक यू कैन डू बेटर व्हाट यू कुड नॉट डू एज अ अचानक लगा कि जो मैं बिल्कुल आइसोलेट हुआ हुआ हूँ ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिन चीजों को मैंने सीखा हुआ है अपने गुरुओं से, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैंने मेरी जिंदगी में मुझे जो वैल्यू की चीज लगती है शेयर करने लायक लगती है वो मैंने मेरे गुरुओं ने मेरे सिखाया, चाहे वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हों उनका देहांत हो चुका है, चाहे मेरे ज्योतिष के गुरु हों उनका देहांत हो चुका है, चाहे वो मेरे होम्योपैथी के गुरु हों उनका देहांत हो चुका है। लेकिन उन्होंने जो मुझे सिखाया और भी लोगों ने बहुत उसमें कुछ ऐसी चीज है जो शाश्वत है, which is timeless, which is more important than the space and time constraints।